क्वेश्चन थ्री में क्या होगा, जैसे टू वॉक्स और 26 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ए वन है ना, जिसको हम लोग सिर्फ ए लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म ए है और ये तो तीसरा टर्म है ना, 26. ये तो तीसरा टर्म है, इसका मतलब ये ए थ्री दिया हुआ है 26. तो ए थ्री का हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ए प्लस टू डी. अब ए के बदले यहाँ पर पुट करेंगे टू प्लस टू डी. दिशांत ये टू क्या होगा, 20. क्या बोल रहा तुम, 23 क्यों, क्योंकि 3 है ना, तो 3 माइनस 1 2 बन जाता है ना, ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो वो 24, डी नीचे गया 12 आ गया, बीच वाला टर्म मतलब ए 2 निकालना है, तो वो होता है ए प्लस डी, ए का मतलब 2, 2 प्लस 12 14, तो मिसिंग ब्लैंक का आंसर था 14. इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 5 वाला दिखा रहे हैं बॉक्स, फिर 38 प्रतीक, इधर देखो, यहाँ पर ये वाला टर्म कौन सा है, सेकेंड टर्म, तो उसको लिख रहे हैं ए टू इक्वल्स टू 38, विच इम्प्लाइज ए टू का मतलब है ए प्लस डी इक्वल्स टू 38. ये कौन सा टर्म है, 1 2 3, ये सिक्स्थ टर्म है, तो हम ए सिक्स इक्वल्स टू माइनस 22, तो ए प्लस 5d इक्वल्स टू माइनस 22. जिससे हम लोगों को क्या चाहिए, अगर हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं ना, तो ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया, लीनियर इक्वेशन है, ए तो एलिमिनेट से हट जाएगा ना, तो हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम का 2 मतलब 2 को ऊपर लिख रहे हैं, इसको नीचे लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले का सबका साइन चेंज होगा, 5d माइनस डी 4d, और दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, तो d का वैल्यू आ गया माइनस 15, 4 नीचे चला गया. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी नहीं पता अभी तक, अभी सिर्फ d निकला है माइनस 15, तो यहाँ माइनस 15 पुट कर देंगे, तो इन इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे a प्लस डी के बदले माइनस 15 और यहाँ पर 38. माइनस 15 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आ गया 53. तो यहाँ बॉक्स में इसका मतलब पहले वैल्यू 53. अब ये कौन सा टर्म है यशिका, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ए 3 निकालने के लिए, टू डी, तो ए प्लस टू डी करेंगे, फिर ए 4 निकालेंगे, ए 5 निकालेंगे, तो वो बॉक्सेस फिल होते जाएगा, समझ में आया.